जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अकाउंटेंसी 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, उसको कर रहे हैं। तो उसकी 5 क्लासेस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आपने वो 5 क्लासेस अभी तक स्टडी नहीं की है तो बेटा सबसे पहले जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर वो 5 क्लास अटेंड कीजिएगा, उसके बाद ही आपको आगे का कुछ समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हमें सीख रहे हैं बेटा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, बट जहां बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की तो वहां पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। तो आज की क्लास के बाद हम लोग सीख जाएंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो जिसके थ्रू हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है और कैसे वो सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले दोबारा से आप लोगों को से रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ठीक है। साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को लेकर आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी बेटा कुछ भला हो जाए। इसके साथ साथ लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा देखिए पार्टनरशिप फर्म में हम जो है दो कैपिटल मेथड यूज करते हैं, दो तरीके से हम अपने कैपिटल अकाउंट्स बना सकते हैं। पहले का नाम है बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरे का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसका नाम ही फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो उसमें हम कैपिटल का बैलेंस फिक्स रखते हैं, ठीक है। यानी हम लोग इसमें दो अकाउंट बनाएंगे, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों बेटा? उसका रीजन ये होता है कि देखिए पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो पार्टनर्स को हर साल मिलेंगे, ठीक है। या चलो प्रोविजन ना भी हो बेटा, बट हर साल फर्म को प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही ना। तो फिर अगर वो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हर साल ट्रांसफर करेंगे तो उससे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल चेंज हो जाएगा। बट हमें मेथड फॉलो करना है फिक्स कैपिटल मेथड, यानी जहां पर जो कैपिटल का बैलेंस है वो फिक्स रहना है। अब यहां पर फिक्स का मतलब ये नहीं है कि हर साल फिक्स ही रहना है, इसका मतलब है इट कैन चेंज बट नॉट फ्रीक्वेंटली। हर साल चेंज नहीं होगा, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो सारे कंपोनेंट्स जो कैपिटल के बैलेंस को हर साल चेंज कर सकते हैं उसको हम कैपिटल अकाउंट में ना दिखाकर कहां पर दिखाते हैं बेटा? करंट अकाउंट, ठीक है। यानी यहां पर जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग का मतलब आपको पता ही है बेटा, जिसमें बैलेंस ऑफ कैपिटल फ्लक्चुएट होता है, कभी बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो यहां पर हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारी की सारी चीजें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो उससे हमारा बैलेंस भले ही हर साल चेंज हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फॉलो करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्लियर है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें जो दो अकाउंट्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसमें क्या क्या आएगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की कि बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोगों को दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पहले का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहां पर हमें यह सीखना है कि अगर एक फर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज करती है तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा और करंट अकाउंट में क्या आएगा। तो यहां पर यह सीखने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो फर्म है वो पुरानी फर्म है, यानी पहले से ही फर्म ऑपरेट कर रही है, नई फर्म नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग ये मानकर चलेंगे कि इस फर्म में केवल दो पार्टनर है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में केवल दो आइटम्स आएंगे, एक आएगा बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, यानी ए और बी का जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है केवल वो, और दूसरा आएगा बेटा बाय कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। ये किस चीज का है आप लोगों को पता होगा क्योंकि आपके टीचर ने करा दिया होगा बेटा, ये है एडिशनल कैपिटल का, ठीक है। और यहां पे एक क्रेडिट साइड यहां पे बंद हो जाएगी। अब ऐसे ही जब हम डेबिट साइड की बात करें तो यहां पर डेबिट साइड में भी दो ही चीजें आएंगी, पहला टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। ये किस चीज का बेटा, ये है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। और दूसरा यहां पर टू बैलेंस सीडी आएगा, बस, ठीक है। और ये कैपिटल अकाउंट यहां पे बंद हो जाएगा। अब समझिए यहां पर इसको हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो है पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो केवल स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही चेंज होता है। जो बैलेंस है वो केवल दो केस में चेंज हो सकता है, या तो पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो या फिर पार्टनर्स ने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ किया हो। विड्रॉल ऑफ कैपिटल है बेटा, ये ड्रॉइंग नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और आप दो आपको पता है कि ये दोनों सर्कमस्टांसिस जो है अब नॉर्मल है, हर साल ये सर्कमस्टांसिस नहीं होते, हर साल ऐसा नहीं होता कि पार्टनर जो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं। तो इसलिए यहां पर नॉर्मल केस में जो बैलेंस है कैपिटल का वो फिक्स रहता है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। और वो सारे कंपोनेंट जो कैपिटल के बैलेंस को हर साल चेंज कर सकते थे उसके लिए हम बना देते हैं बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर करंट अकाउंट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पार्टनर का करंट अकाउंट है बेटा वो क्रेडिट बैलेंस भी दे सकता है, यानी बाय बैलेंस बीडी भी हो सकता है और टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, यानी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो है करंट अकाउंट का फिक्स कैपिटल मेथड में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में किसी में डेबिट होता है तो किसी में क्रेडिट होता है। अब यहां पर जो पार्टनर्स को हर साल मिलेगा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी यहां पर ही आएगा करंट अकाउंट में। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो वो तो फिर फर्म हर साल ही प्रोवाइड करेगी, अगर हम उसको कैपिटल में दिखाते हैं तो फिर तो कैपिटल का बैलेंस हर साल चेंज हो जाएगा, यानी हर वो कंपोनेंट जिससे कैपिटल का बैलेंस चेंज होता है वो कहां पे आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। इसके अलावा बाय सैलरी, अगर पार्टनरशिप डीड में किसी पार्टनर को सैलरी देने का प्रोविजन है तो वो भी आप कहां पे दिखाओगे बेटा, करंट अकाउंट में दिखाओगे। बाय कमीशन, अगर कमीशन देने का प्रोविजन है तो वो भी कहां पे आएगा बेटा, करंट अकाउंट में आएगा, क्लियर। अब इसके अलावा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए पार्टनरशिप डीड में अगर कोई प्रोविजन ना भी हो तो भी प्रॉफिट या लॉस तो पार्टनर्स को मिलेगा ही ना, तो उसको भी हमें करंट अकाउंट में ही दिखाना है, क्योंकि अगर वो हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते तो उससे क्या होता, जो हमारा कैपिटल का बैलेंस है वो हर साल चेंज हो जाता। तो ऐसा हर वो कंपोनेंट जो हर साल कैपिटल के बैलेंस पे या हर साल पार्टनर्स को मिलेगा या पार्टनर से आप विड्रॉ करोगे वो सब किस में दिखाना है, आपको करंट अकाउंट में दिखाना है। अब ऐसे ही डेबिट साइड की बात करें तो बेटा डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग, अब ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए फर्म में से पैसा विड्रॉ किया है तो वो सब करंट अकाउंट की डेबिट में दिखाना है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी आपको करंट अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना है,
ठीक, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस, ठीक है, ये भी आपको करंट अकाउंट में ही दिखाना है। क्लियर। अब यहां पे हम इनको बैलेंस करेंगे करंट अकाउंट को। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा बेटा, यानी पार्टनर्स को मिला है ज्यादा ड्यूरिंग द ईयर, तो आप यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, फिर आपका आएगा क्रेडिट बैलेंस और आप इस अकाउंट को यहां पे बंद कर देंगे, ठीक है, आपका करंट अकाउंट हो गया बंद। बट इन केस अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन के प्रोविजन है या फिर नहीं है, बट लॉस हो रखा है अगर प्रोविजन है तो फिर क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा, सब आएगा डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड का अगर बैलेंस ज्यादा है तो फिर करंट अकाउंट में देगा डेबिट बैलेंस और इसको बैलेंसिंग करोगे आप क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, और यहां पे आप इसको बंद कर देंगे। तो ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में आएंगे अगर एक फर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा हम करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा अपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। अब बात करते हैं पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कौन सा होता है? फ्लक्चुएटिंग, जिसमें नाम ही आपको बता रहा है कि कैपिटल का बैलेंस हम हर साल फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मतलब हर साल चेंज कर सकते हैं, और यही रीजन है कि इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है, नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब वो सारे बैलेंस जो पहले हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में मिलाकर दिखा रहे थे अलग अलग, ठीक है, वो सब यहां पर एक साथ हम लोग दिखाएंगे। तो बेटा अब बात करते हैं हम लोग अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि इसका मतलब है कि जिसमें कैपिटल का बैलेंस हर साल फ्लक्चुएट हो सकता है, हर साल चेंज हो सकता है, तो इसीलिए हम इसमें केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम वो सारे कंपोनेंट दिखाएंगे जो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में शो करते थे, वो सब हमें केवल एक ही अकाउंट में दिखाना है, इसलिए इसमें एक ही अकाउंट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर फर्म पुरानी है, कंडीशन वही है, फर्म पुरानी है, वो केवल दो पार्टनर है ए और बी, तो अगर फर्म में कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो आप सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी, ठीक है। और अगर किसी पार्टनर का या सभी पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट है तो आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब इसके बाद क्रेडिट साइड की बात करें तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले बाय कैश या बैंक अकाउंट, यानी एडिशनल कैपिटल यहीं पे आएगा बेटा, वहां पे अलग दिखाते थे। फिर इसके बाद आएगा बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो वो भी यहां क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट की ही, ठीक है। तो वो सारी चीजें समझिएगा जो हम यहां फिक्स कैपिटल मेथड में करंट और कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे थे वो सब एक ही अकाउंट में दिखा रहा है और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके बाद अब क्या दिखाएंगे? बाय सैलरी। अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली सैलरी प्रोवाइड करनी है तो वो भी बेटा कैपिटल अकाउंट में ही दिखाओगे। फिर इसके अलावा बाय कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करनी है तो वो भी आप यहीं पे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हैं क्रेडिट साइड के कंपोनेंट। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। अच्छा, एक और रह गया भी क्रेडिट साइड का, वो बेटा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट,
करंट ईयर में जो पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिला होगा सारे प्रोविजन फॉलो करने के बाद, ठीक है, वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे डेबिट में टू बैलेंस बीडी हमने लिख दिया, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, दैट इज अगेन विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल विड्रॉ की है, ठीक है, तो वो यहां कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आप शो करेंगे, वहां पे भी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते थे। अब इसके अलावा टू ड्रॉइंग जो हम पहले करंट अकाउंट में दिखा रहे थे फिक्स कैपिटल मेथड में, वो भी कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, किस चीज का बेटा, शेयर ऑफ लॉस। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्लियर। अब हमने बना दिया कैपिटल अकाउंट, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। अगर मान लीजिए जो पार्टनर्स का क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए आप यहां लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी, और ये क्रेडिट बैलेंस दे रहा है, बैलेंसिंग क्या है डेबिट में बट बैलेंस कौन सा दे रहा है, क्रेडिट। यहां पे आप लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, और ये अपना कैपिटल अकाउंट आप बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इनकेस अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यानी डेबिट साइड ज्यादा है तो आप इसको बैलेंसिंग करेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये आपने यहां पे इसको बैलेंस कर दिया और इसके बाद अपना कैपिटल अकाउंट बंद कर देना, ठीक है। तो ये कब बनेगा, जब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे, क्लियर है बेटा। तो ये भी हो गया आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है फिक्स कैपिटल में और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। तो चलिए बेटा देखिए, हमने फिक्स कैपिटल मेथड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों स्टडी कर लिए। अब उस स्टडी के बेस पर हम लोग इनमें डिफरेंस देखते हैं बेटा, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखिए, पहला डिफरेंस है नंबर्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। तो हमें पता है बेटा जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, पहले का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि बात करें फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की तो यहां पे हम लोग केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब देखिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज में बात करें तो जो हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपको पता है कि बेटा उसमें जो कैपिटल का बैलेंस है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, क्योंकि जो बेटा चेंज करने वाले कंपोनेंट्स हैं वो सब तो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए हुए, ठीक है, और जो कैपिटल अकाउंट में आता है वो बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर विड्रॉन ऑफ कैपिटल करते हैं, तो वो एक रेयर सिचुएशंस होती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि इन फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो आपका कैपिटल का बैलेंस है इट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। जबकि बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की तो बेटा उसमें हमने एक ही अकाउंट बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसी में हमने सारे अपने कंपोनेंट्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो उसमें चाहे आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो या फिर ना की हो, या आपने अमाउंट विड्रॉ किया हो कैपिटल में से या ना किया हो, बट बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स हैं जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो आपके कैपिटल के बैलेंस को चेंज करेगा। तो इसमें जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट चेंज फ्रीक्वेंटली मींस एवरी ईयर कह सकते हो आप बेटा, हर साल ही बैलेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है बेटा
उसमें केवल हम कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसमें हम कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करेंगे बेटा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रखा है, वहां पर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। बट जब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो उसमें तो एक ही अकाउंट बनता है बेटा, ठीक है। तो वहां पे हमें कैपिटल से रिलेटेड यानी एडिशनल कैपिटल प्लस विथड्रॉन ऑफ कैपिटल, वो सब हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में ही। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लिखेंगे यहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखेंगे, सैलरी भी लिखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस का शेयर भी हम इसी में लिखेंगे, इसके अलावा ड्रॉइंग भी लिखेंगे। यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब हमें किसमें करना है, कैपिटल अकाउंट में ही करना है। जबकि यहां पर कैपिटल अकाउंट में केवल दो ही ट्रांजेक्शन होती है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब बात करते हैं बेटा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की, तो यहां पे क्या होता है, जो आपका बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, ठीक है। डेबिट तो कभी हो ही नहीं सकता। डेबिट होने का मतलब ये होता है कि आपने कैपिटल विड्रॉ कर ली है, जितना आपने इंट्रोड्यूस किया उससे ज्यादा, वो पॉसिबल नहीं है। आप सारा कैपिटल कभी भी विड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। अगर विड्रॉ करोगे तो उससे कम ही होगा जितना आपने इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो हमेशा कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट में। बट यहां पर जो है कैन बी बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, आपका जो कैपिटल का बैलेंस बेटा डेबिट बैलेंस भी दे सकता है और क्रेडिट भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शो करनी है, ठीक है बेटा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आज की क्लास में बेटा केवल इतना ही, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।